हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू कोर केमिकल इंजीनियरिंग चैनल। सो आज के इस वीडियो में अपने लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस IOCL, BPCL और या जितने भी अपने PSUs हैं फॉर द केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, उनसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर आपने सपोज गेट क्वालिफाई कर लिया और अच्छा रैंक अगर आ गया आपका, विद इन 100 and 200 रैंक आ गया, तो क्या होता है कि PSUs विल कॉल यू फॉर द इंटरव्यू। तो नॉर्मली PSUs में सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो तो आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट दे गिव द वेटेज फॉर द 70% टू द मार्क्स यू हैव स्कोर्ड इन द गेट एग्जाम। तो आपका 70% का जो तो किला आपने तो पहले ही पता कर लिया है। तो जो सेकेंडरी चीज़ें जहाँ पे इंटरव्यू में कुछ स्टूडेंट्स आपको लाइक कॉल करते हैं, सपोज 100-200 स्टूडेंट्स कॉल करते हैं, उसमें से 30-40 जो भी रिक्रूट करते हैं, तो क्या होता है वो इंटरव्यू आपका काफ़ी मैटर कर जाता है। वो 30% जो वेटेज होता है उसमें आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना होता है। तो अच्छा परफॉर्म कैसे कर सकते हो आप, उसके लिए क्या होता है, आपको जो प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़े बहुत आपने केमिकल इंजीनियरिंग में पढ़े हैं प्लस थ्योरेटिकल नॉलेज, उन दोनों पे आपका एक होल्ड होना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे जो डिस्कस करूँगा, थ्योरेटिकल तो आपका अच्छा होगा क्योंकि आपने अच्छा स्कोर निकाला, गेट में अच्छा रैंक लाया, तभी आपको इंटरव्यू कॉल आया। तो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहले अपने लोग लेते हैं हीट ट्रांसफ़र। तो हीट ट्रांसफ़र में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जो जो पेट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हीट एक्सचेंजर, मतलब आपका हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, नॉर्मली आपका एक्सचेंजर हो गया, कंडेंसर हो गया, तो हीट एक्सचेंजर में के ऊपर वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हीट एक्सचेंजर का डिज़ाइन कैसे करोगे। तो वो जो इसके स्टेप्स हैं वो आप याद कर सकते हो। एंड द सेकेंड थिंग, कभी कभी पूछ सकते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका एक्सचेंजर फाउल हो रहा है, मतलब ओवर द टाइम से आप एक्सचेंजर को यूज़ करते हो, ओवर द टाइम ऐसा होता है कि 1 साल 2 साल 3 साल बाद क्या होता है उसका जो हीट ट्रांसफ़र जितना वो देता है प्रोसेस फ्लूइड को उतना नहीं हो पाता है। तो आप प्रैक्टिकली कैसे बता पाओगे, सपोज आपका प्लांट रनिंग है, नॉर्मल ऑपरेशन हो रहा है, हीट एक्सचेंजर काम कर रहा है, तो कैसे आप बताओगे कि आपका एक्सचेंजर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, यू ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर फॉर दैट, इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन यू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, मैं उसका रिप्लाई आपको देता हूँ। एक तो हो गया परफॉर्मेंस ऑफ हीट एक्सचेंजर, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडेंसर के बारे में आप पढ़ लो थोड़ा बहुत, और फिन फैन कूलर के बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल हीट ट्रांसफर के ऊपर, और बाकी चीज़ें तो ऑलमोस्ट आप जानते हो। इसमें भी बॉयलिंग कर्व के ऊपर थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि इसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। बस इतना आई गेस इनफ है फॉर द हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट। अब आते हैं अपने लोग मास ट्रांसफर में। मास ट्रांसफर में जो बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो डिस्टिलेशन कॉलम। डिस्टिलेशन कॉलम में क्या होता है, साइमल्टेनियस हीट एंड मास ट्रांसफर दोनों होता है, बट आई एम कंसिडरिंग इट इन द मास ट्रांसफर सब्जेक्ट। ओके, अभी डिस्टिलेशन कॉलम हो गया, डिस्टिलेशन कॉलम का डिज़ाइन कैसे होता है ये तो अलग पार्ट हो गया, इसको भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। अभी डिस्टिलेशन कॉलम में कभी कभी पूछ लेते हैं कि रिफ्लक्स का रोल क्या होता है, रिफ्लक्स कैसे काम करता है डिस्टिलेशन कॉलम में, या रिबॉइलिंग का रोल क्या होता है, आपका अगर ओवरहेड प्रेशर पड़ रहा है डिस्टिलेशन कॉलम में तो आप कैसे उसको कंट्रोल करोगे, रिबॉइलिंग पे उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अपोज अगर रिबॉइलिंग आप बढ़ाते हो तो रिफ्लक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑल दोज क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन द इंटरव्यू पैनल। तो एंड डिस्टिलेशन कॉलम में कभी कभी होता है डेल्टा पी का, जो किसी भी कॉलम के अक्रॉस एक डेल्टा पी होता है, हम लोग डेल्टा पी मॉनिटर करते हैं, मतलब प्रेशर अक्रॉस द कॉलम। अभी उसमें ज़्यादा डेविएशन आता, सपोज बहुत कम जाने लगा या बहुत ज़्यादा जाने लगा, तो क्या होता है फ्लडिंग, इंट्रेनमेंट, मतलब कॉलम आपका प्रोफाइल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वो डिस्टर्ब ना हो तो वो जो डेल्टा पी डिसाइड होता है कैसे डिसाइड होता है, ऑल दो थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट दैट। तो डिस्टिलेशन कॉलम हो गया आपका, और ये हो गया आपका मास ट्रांसफर में। और अगर अपने लोग फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आप देखोगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या होता है किसी भी इंडस्ट्री में, पंप। पंप के ऊपर तो आप मास्टरी करके बैठ जाओ, मतलब कभी क्वेश्चन अगर आप इंटरव्यू में अपियर हो रहे हो तो पंप के ऊपर सब कुछ आपको ऑलमोस्ट पता होना चाहिए, थेरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज। तो थेरेटिकल में क्वेश्चन जैसे पूछ लेते हैं आपको टाइप्स ऑफ पंप्स क्या होता है, पंप का फंक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ पंप्स क्या होता है, जैसे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप हो गया आपका, सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में भी पिस्टन, प्लंजर एंड डायफ्राम हो गया। तो इनके ऊपर आप एटलीस्ट अच्छे से पढ़ लो किस प्रेशर रेंज पे कौन सा पंप यूज़ करते हैं, उनका एप्लीकेशन प्रैक्टिकल यूज़ कर लो। और सेंट्रीफ्यूगल पंप की जहाँ तक बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में आप कैविटेशन के बारे में पढ़ लो। अभी आपको कैसे पता चलेगा चलेगा फील्ड में या आप प्लांट में घूम रहे हो तो कैसे पता चलेगा आपका क्या पंप जो कैविटेट हो रहा है, तो कैविटेट हो रहा है तो आपको क्या एक्शन लेना है, तो ऑल दोज थिंग्स दैट यू मस्ट नो। तो ये हो गया आपका पंप के बारे में। पंप के ऊपर में आप मतलब ज़रूर ज़रूर बहुत अच्छे से गहन अध्ययन आप कर लो,
क्योंकि पंप एक ऐसा चीज़ है जिसके ऊपर मतलब ऑलमोस्ट जितने भी इंटरव्यू होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस ऑलमोस्ट पूछा ही जाता है। और आप फ्रेशर हो तो भी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं करते कि सब कुछ आप जानो, बट एटलीस्ट यू नीड टू हैव अ गुड ग्रेड, बिकॉज आपने तो थेरेटिकल प्रूव ही कर दिया कि आप बहुत अच्छे स्कॉलर हो, क्योंकि आप बहुत अच्छे से पढ़ के अच्छा रैंक लेके आए हो, तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज रहेगा तो इट विल एड अ वैल्यू टू योर इंटरव्यू और आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। और लास्ट में जो होता है नॉर्मली क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मतलब ये टेक्निकल क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन इसके ऊपर आप क्या है, ये पेट क्वेश्चन, मतलब कभी भी किसी भी इंटरव्यू में जाओ, इवन फ्रेशर्स और इफ यू गो फॉर द यू नो एज अ फ्रेशर, इफ इवन इफ यू गो फॉर द यू नो एज इंटरव्यू एज एक्सपीरियंस कैंडिडेट, इवन इन दैट दे आस्क टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो जब टेल मी अबाउट योर सेल्फ मतलब एक ऐसा ब्लैंक पेपर होता है जिसमें आपको प्रूव करना है कि यू आर गोइंग टू बिकम द एसेट इन देयर ऑर्गेनाइजेशन नॉट द लायबिलिटी, तो आप वो कैसे प्रूव करोगे, यू नीड टू डिफाइन योर सेल्फ, आपको बैगनी करना है, आपको प्रूव करना है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आओगे तो ये हमारे अंदर मेरिट है, ये चीज़ें हम कर सकते हैं और ये मैंने किया हुआ है और इससे इतना बेनिफिट हुआ या इसका ऐसा इम्पैक्ट होगा, ओवरऑल आपको प्रूव करना है कि आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हो और आप उस जॉब के लिए सुटेड हो, मतलब आप बहुत अच्छे बहुत टैलेंटेड हो, मैटर नहीं करता जो जॉब प्रोफाइल आपको ऑफर किया जाता है। अगर आपको ऑपरेशन में सपोज आप केमिकल इंजीनियरिंग प्रोफाइल स्ट्रीम चूज़ किए, आप उसमें बता रहे हो आप मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, कोई चीज़ और बता रहे हो फाइनेंस में इंटरेस्टेड हो, तो वो चीज़ क्या होता है डेविएट हो जाता है, तो आपको वो सारी चीज़ें नहीं बतानी, आपको ऐसे प्रूव करना है कि ठीक है आप कोर केमिकल इंजीनियरिंग में हो, आपको केमिकल इंजीनियरिंग पसंद है, आपको प्लांट ऑपरेशन आता है, अगर आप उसमें जॉब लेना चाहते हो तो, एंड ऑब्वियसली आप इंटरव्यू में अपेयर कर रहे हो इसलिए तो कि आप गेट में इतने अच्छे से पढ़े हो और आईओसीएल का इंटरव्यू दे रहे हो या बीपीएससीएल का इंटरव्यू दे रहे हो, तो इसीलिए तो दे रहे हो कि ताकि मतलब आपको एक प्लांट जॉब मिले वहाँ पे अच्छा सा परफॉर्म करो। तो ये हो गया आपका फ्लूड मैकेनिक्स के बारे में, तो आपको तीन सब्जेक्ट तो बता दिया जनरली, एक तो आपको बताया हीट ट्रांसफ़र, देन अबाउट मास ट्रांसफ़र भी बता दिया आपको मैंने, देन हीट दिस फ्लूड मैकेनिक्स, और इसमें भी आप ये देख लेना थोड़ा मास ट्रांसफर में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन वगैरह होता है ना, एब्जॉर्प्शन और ड्राइंग ये सब भी थोड़ा बहुत देख लेना, क्योंकि एब्जॉर्प्शन में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हाइड्रो ट्रीटिंग, और इसके अलावा एक चीज़ और है बहुत इंपॉर्टेंट जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल्स, इसके ऊपर जो बुक है अपनी उसके ऊपर पढ़ लेना, आपको ओवरऑल जो रिफाइनरी वर्क करता है ना कैसे करता है, क्रूड आता है, क्रूड का प्रोसेसिंग कैसे होता है, क्रूड कहाँ से आता है, कितने टाइप के क्रूड्स होते हैं और उसका प्रोसेसिंग कहाँ होता है, जैसे मरीन टैंक फॉर्म में आता है, फिर आरटीएफ में आता है, रिफाइनरी टैंक फॉर्म में आता है, उसके बाद रिफाइनरी टैंक के फॉर्म में क्या होता है आपका सीडीयू वीडियो में आता है, मतलब आपका डिस्टिलेशन कॉलम में जाता है, वहाँ से सेकेंडरी यूनिट्स में सारे जाते हैं, उसके बाद नाफ्था हाइड्रो ट्रीटिंग यूनिट होता है, तो ओवरऑल जो आपका एक नेटवर्क रिफाइनरी का बनता है उसके बारे में आपको ओवरव्यू रहेगा तो अच्छा रहेगा। और तो क्योंकि क्या होता है रिफाइनरी वाले जो पैनल में बैठते हैं 20-25 साल एक्सपीरियंस होता है, तो नॉर्मली ऐसे जनरलाइज क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको ओवरऑल ग्लोबल लाइक सिनेरियो आइडिया है कि नहीं, क्रूड की प्रोसेस मतलब अभी प्राइस क्या चल रहा है और हम लोग कितने में खरीदते हैं, ये सब भी अगर आपको आइडिया हो जाएगा तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। सो गाइस आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडे, और आपको इसके अलावा भी कुछ डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, अपने लोग इंटरेक्शन करेंगे और मैं कोशिश करूँगा और फ्रिक्वेंटली लाइव आने का और वन टू वन बात करने का, कुछ डाउट है तो आप कमेंट करो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई देट। सो गाइस थैंक यू सो मच।